सरकार फेलियर है कि ऑक्सीजन भी हमारे पास में नहीं है, दवाइयां हमारे पास नहीं है, हॉस्पिटलों में वो जगह नहीं है। तो देश में सबसे पहले, मंदिर से पहले देश में हॉस्पिटल बनने चाहिए। वहां पे हो रही भीड़ तो कलकत्ते में है भाई, उसका दिखाओ ना, प्रधानमंत्री के इनके जो कार्यक्रम हो रहे उसमें हो रही। अब काम पूरी सरकार का ध्यान ये है कि ये आंदोलन खत्म हो जाए, मतलब कोविड के बाद ने आंदोलन खत्म करना चाहते हैं, ये तो नहीं होगा। आंदोलन यहाँ से खत्म नहीं होंगे, आंदोलन हमारे जारी रहेंगे। जो कोविड की गाइडलाइन होगी उसका पालन करेंगे हम। पूरे देश के किसानों ने, देश के नौजवान ने, देश के मजदूर ने, जो दुकानदार है उसने, जो छात्र है उसने, तो बड़ा सहयोग सब लोगों ने दिया 5 महीने तक, और एक विश्वास जमा है पूरी देश की जनता को। और आगे भी आंदोलन हमारा जारी रहेगा, जब तक भारत सरकार हमारे मसलों पे बातचीत नहीं करेगी जब तक ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। यहाँ से किसान वापसी नहीं जाएगा जी, आगे 5 महीने और आगे हो जाओ। सर कोरोना वायरस की बात करें, हाँ बढ़ रहा है, डेथ रेशो की बात करें बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ बढ़ रहा है। पॉजिटिव केसेस की बात करें 3 लाख प्लस हो चुका है डेली, मतलब डेली का ये ग्राफ है। हाँ सर आप लोगों को डर नहीं लग रहा? नहीं, हम डर के कहाँ रहेंगे, तो इसी देश में ही भाई, ये हम गाँव में चल जाए गाँव में ना जा, ये एक वायरस है, ये एक हवा में फैलने वाला एक वायरस है ये, तो ये तो जहाँ पे हम जाएंगे इससे, इन आंदोलनों का इस वायरस से क्या मतलब है भाई। जैसे यहाँ पे है जो बराबर में कॉलोनी, ये उसका भी जाएगा, ये यहाँ पे भी आओगा, इसका इलाज तो हॉस्पिटल है। और जो हमारा धरना है, हमारे मुद्दे पार्लियामेंट से हैं, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं भाई। हम यहाँ से अपने गाँव चले जा तो क्या ये वहाँ पर नहीं जाएगा, ये वहाँ पर भी जाएगा। वहाँ पे हो रही भीड़ तो कलकत्ते में है भाई, उसका दिखाओ ना, प्रधानमंत्री के इनके जो कार्यक्रम हो रहे उसमें हो रही। यहाँ पे तो मास्क लगाते हैं, कल भी हमने यहाँ सैनिटाइजर्स करवाया सारे, उसमें आज भी करवाएंगे, और जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हैं सब जगह। लेकिन जो फेलियर सरकार है, अगर कोविड की हम बात करें तो सरकार फेलियर है कि ऑक्सीजन भी हमारे पास में नहीं है, दवाइयाँ हमारे पास नहीं है, हॉस्पिटलों में वो जगह नहीं है। तो देश में सबसे पहले, मंदिर से पहले देश में हॉस्पिटल बनने चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटलों की जरूरत है, आज एम्स की जरूरत है। क्या देश को नए एम्स आए हैं, क्या उस पर काम चला है? उन पर काम चलना चाहिए ना, चंदा उनके नाम पर मांगा जाए, इकट्ठा करो ना चंदा, के एम्स के लिए चंदा चाहिए। कौन कौन लोग डोनेट करना चाहते हैं, जैसे घर घर से पैसे मांगे जा रहे हैं, तो आप एम्स के नाम पे पैसे मांगो, आप ऑक्सीजन के नाम पे पैसे मांगो, उस पर काम करना चाहिए। हमारे जितने डॉक्टर हैं गांव-गांव में बैठे हैं, उनको छूट देनी चाहिए। अगर वे 20-20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उनको बहुत, उनको छूट देनी चाहिए, दवाइयाँ उनको देनी चाहिए, उनको लगाना चाहिए सबको। अगर कोई रिटायर भी हो गए तो उनकी भी ड्यूटी लगनी चाहिए। तो काम इस पर होना चाहिए काम। अब काम पूरी सरकार का ध्यान ये है कि ये आंदोलन खत्म हो जाए, मतलब कोविड के बाद ने आंदोलन खत्म करना चाहते हैं, ये तो नहीं होगा। आंदोलन यहाँ से खत्म नहीं होंगे, आंदोलन हमारे जारी रहेंगे। जो कोविड की गाइडलाइन होगी उसका पालन करेंगे हम। टेस्टिंग तो बाहर ही नहीं हो रही कहीं भाई, कहाँ हो टेस्टिंग, वो टेस्टिंग का स्थान बता दो कहाँ हो रही है। और दवाइयाँ, दवाई के लिए हमने अधिकारियों को कहा कि यहाँ पे कैंप लगाओ, और जिसको दवाई लगवानी है लगवा लगा, आप वैक्सीनेशन करो उसको शुरू। सर वैक्सीनेशन की बात करें, हाँ 45 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लग रही है, यहाँ पे क्या? यहाँ पे तो कोई अधिकारी आया नहीं, हमने कहा कि कैंप लगाओ आप उनके यहाँ पे, और यहाँ पर